Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we discuss the further topic of the endocrine gland. Okay, start with the topic. Okay, so इससे पहले adrenal cortex में हमने पढ़ा था कि glucocorticoids और mineralocorticoids hormones secrete होते हैं, but अभी hormones secrete करता है, लेकिन इन hormones के hyper secretion या hypo secretion, hyper मतलब ज़्यादा, hypo मतलब कम. अगर दोनों ही conditions होती हैं, अगर या तो hyper हो या hypo हो, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, बॉडी में कुछ डिफिशियंसीज हो जाती है या फिर कुछ डिजीज क्या हो जाती है, अकरेंस हो जाती है. ठीक है, तो हम उनको पढ़ते हैं. तो हाइपोसिक्रीशन से क्या क्या होता है, फ्रॉम एडरेनल कॉर्टेक्स. अगर एडरेनल कॉर्टेक्स में हाइपोसिक्रीशन हो रहा है हॉर्मोन्स का, तो क्या क्या होगा, कॉजेज एडिसन डिजीज. तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स आर लॉस ऑफ एनर्जी, आपकी जो एनर्जी होगी वो कम होने लगेगी, स्किन पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ वेट, वजन घटने लगेगा, नॉशिया, वॉमिटिंग जैसा फील होना, लो ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का लेवल जो होगा वो हाई की बजाय लो होगा. ठीक है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, सेंसिटिविटी किसके लिए बढ़ जाएगी, कोल्ड के लिए बढ़ जाएगी और पेन के लिए बढ़ जाएगी. मतलब अगर थोड़ा भी पेन होगा तो आपको ज्यादा लगेगा, और अगर थोड़ी भी ठंड होगी तो भी ज्यादा लगेगी, तो उसके लिए आपकी सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी. ठीक है, इंक्रीज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, अब पर्सन को एडिसन डिजीज होगी वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा इन्फेक्शन के लिए, मतलब वो बहुत जल्दी कैच करेगा किसी भी टाइप का इन्फेक्शन. ओके, नाउ हाइपरसिक्रेशन, हाइपरसिक्रेशन हमने पढ़ लिया. अब हाइपरसिक्रेशन में क्या डिजीज कॉज होती है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं. हाइपरसिक्रेशन में जो डिजीज होती है वो होती है क्रिशिंग सिंड्रोम, क्रिशिंग सिंड्रोम होता है, और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स आर ओबेसिटी, वेट बढ़ जाना, हाई ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाना, हाई हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो बोन्स होती हैं वो क्या होती है, बहुत वीक हो जाती हैं और इजीली ब्रेक कर सकती हैं. ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है, और वो कैसे होती है, विच इज ड्यू टू द हाइपरसिक्रीशन फ्रॉम द एडरेनल कॉर्टेक्स. ओके, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रशिंग सिंड्रोम हो जाता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर वीकनेस, वीकनेस बहुत ज्यादा फील होने लगती है. नेक्स्ट इज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, सॉल्ट एंड वाटर आपकी बॉडी में जब रिटेन करने लगेगा, मतलब रुकने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी का दिखने में चबी लगने लगेगी, मतलब वाटर एक्यूमुलेट होने लगेगा आपकी बॉडी में. ठीक है, सो नाउ टॉक अबाउट पैनक्रियाज. अब पैनक्रियाज क्या होते हैं, ये पैनक्रियाज दोनों तरीके का ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जैसे कि एक डक्टलेस ग्लैंड की तरह भी करता है और विद डक्ट की तरह भी करता है. बोथ अ डक्ट ग्लैंड एंड एज वेल एज अ डक्टलेस ग्लैंड, दोनों की तरह काम करता है, एज अ डक्ट की तरह भी काम करता है, मतलब अपना जो सिक्रीशन है या हार्मोन है वो डक्ट के थ्रू भी पहुंचाता है, और एक सिक्रीशन अपना वो डायरेक्टली भी क्या करता है, सिक्रीट कर देता है. ठीक है, इज द ओनली ऑर्गन जो कि आपका क्या है, विच वर्क्स एज अ बोथ डक्टलेस ग्लैंड एज वेल एज डक्ट ग्लैंड. ओके, एज अ डक्ट जब वो डक्ट में अपना हार्मोन सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है और उसका फंक्शन क्या होता है. ठीक है, एज अ डक्ट इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस को वो सिक्रीट करता है और उसको क्या करता है, उसको डक्ट के थ्रू पास ऑन करता है. ठीक है, इज पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम फॉर डाइजेशन, आपकी जो स्टमक होता है, स्टमक में पार्ट होता है एक ड्यूडेनम पार्ट होता है, जिसमें वो उसे डायरेक्ट उस डक्ट के थ्रू क्या करता है, पोर कर देता है, और विच इज हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन, क्या, पैनक्रियाटिक जूस. ओके, नाउ अब एज अ डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस वर्क कर रहा है तो कौन सा हॉर्मोन सिक्रीट करता है, एज अ डक्टलेस ग्लैंड इट हैज स्पेशल ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, इसके पास स्पेशल ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं, सिक्रीटिंग सेल्स, जो कि क्या करते हैं, स्पेशल ग्रुप ऑफ हॉर्मोन सिक्रीटिंग सेल, जो हॉर्मोन सिक्रीट हो रहा है उसके लिए भी एक स्पेशल सेल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इसलेट ऑफ लैमिनेंस बोलते हैं. ठीक है, विच आर स्कैटर्ड इन द एंटायर ग्लैंड, जो कि पैनक्रिया की एंटायर ग्लैंड में क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. ठीक है, कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होती है. अब जो तीन हॉर्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं, कौन, इसलेट ऑफ लैंग्रेंस, जो तीन हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन एंड स्टोमेटोसिस. सो नाउ इंसुलिन, अब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, वो किस वे में रेगुलेट होता है बॉडी में, उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स विच चेक द राइज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. एक तो ये सिक्रीट कौन करता है, सिक्रीट करते हैं आपके बीटा सेल्स. ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, बीटा सेल्स चेक द राइज ऑफ शुगर लेवल, आपकी ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कहीं राइज तो नहीं हो रहा, उसको क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं. ठीक है, अब किस तरीके से चेक करते हैं, तो ये दो वेज में चेक करते हैं. तो पहला काम ये करते हैं, इट प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल्स, जो बॉडी के सेल्स हैं उनसे क्या कहते हैं कि जो ग्लूकोज आपके पास प्रेजेंट है उसको आप यूटिलाइज करो, उसे आप यूज करो. ठीक है, एंड सेकेंड काम फिर वो क्या करते हैं, जब वो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकोज जो सेल्स क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी को फिर ग्लूकोज और चाहिए,
तो हो सकता है थोड़ा एक्सेस अमाउंट में बॉडी क्या करते हैं, सिक्रेट कर दे ग्लूकोज को, तो जो जो एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज है वो क्या होगा, इट स्टिम्युलेट्स द डिपोजिशन ऑफ द एक्सेस ग्लूकोज, जो एक्सेस ग्लूकोज है ऑफ द ब्लड उसको कन्वर्ट करेगा एज ग्लाइकोजन, और उसको कहाँ स्टोर करेगा, इन लिवर एंड इन मसल्स, उसको ऐसा ग्लाइकोजन लिवर और मसल में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है आपके बीटा सेल्स के। तो नाउ अगर जो इंसुलिन है बॉडी में इनसफिशियंट अमाउंट में है, मतलब कम अमाउंट में है, इतना होना चाहिए प्रेजेंट, इतना प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हुआ, इनसफिशियंट हो गया ना। तो अगर इनसफिशियंट अमाउंट में है तो क्या कंडीशन बॉडी में अराइज हो जाएगी, अराइज हो जाएगी डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज हो जाएगी बट इट इज अ मेलिटस, मेलिटस का मतलब होता है हनी, ठीक है, हनी कैसा होता है, मीठा होता है ना, तो इसीलिए डायबिटीज मेलिटस, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज ज्यादा है लेकिन इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। और इसे आप क्या बोल सकते हो, हाइपरग्लाइसीमिया भी बोल सकते हो, ठीक है। अब डायबिटिक हमें चेक करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट में ये देखो कि कहीं जो शुगर शुगर का पोर्शन है वो कहीं हाई तो नहीं आ रहा, मतलब फास्टिंग शुगर कहीं हाई तो नहीं आ रही, अगर हाई आ रही है तो क्या होगा, उसमें आपका ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सेकंड इज ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विद शुगर, अगर जो वो यूरिन पास कर रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है बॉडी में से, अगर वो बहुत ज्यादा लोडेड विद शुगर है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें ग्लूकोज कंटेंट है, तो उसमें नेक्स्ट इज योर फील थ्रस्टी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास क्यों लगेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, ज्यादा यूरिनेशन होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी तो बॉडी को दोबारा हाइड्रेट करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी, तो वो थर्स्टी फील करेगा, ठीक है। एंड लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट तो होगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा आप यूरिनेट करोगे तो आपका बॉडी का वेट लूज होगा, फिर पानी पियोगे, फिर आपकी बॉडी उस चीज को एक्सक्रीट आउट करेगी, तो उससे क्या हो जाता है, वेट लॉस भी होने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था, हाइपोसिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन कम सिक्रेट हो रही थी तो ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन ज्यादा है यहाँ पे तो क्या होगा, ग्लूकोज आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, इस कंडीशन को आप बोलोगे हाइपोग्लाइसीमिया, उसको आपने हाइपरग्लाइसीमिया बोला था, इसको आप हाइपोग्लाइसीमिया बोलोगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कंडीशंस होती है, शुगर लेवल इन द ब्लड इज लोअर, जो आपका शुगर लेवल होता है ब्लड का वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। ब्रेन में एंटर अ स्टेट ऑफ कोमा इफ द लेवल बिकम्स टू लो इवन फॉर फ्यू मिनट्स, अगर कुछ मिनट के लिए भी आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो कोमा स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या था, इंसुलिन एंड सेकेंड ग्लूकागन, तो ग्लूकागन का क्या फंक्शन है, सिक्रीट्स बाय अल्फा सेल्स, ये अल्फा सेल्स से सिक्रीट होता है, और वहीं आपका इंसुलिन किससे हो रहा था, बीटा सेल्स से सिक्रीट हो रहा था, ठीक है। इट स्टिम्युलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकागन इनटू द लिवर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, अब इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन एक तो इनिशिएट कर रहा था कि सेल्स क्या करें, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको यूज अप करें, और फिर और ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहा था, और जो एक्सेस ग्लूकोज था उसको कहाँ स्टोर कर रहा था, लिवर में स्टोर कर रहा था, ठीक है। तो वही ग्लूकोज जो लिवर में स्टोर हुआ था उसको ब्रेक डाउन करना और बॉडी को दोबारा प्रोवाइड कराना, ताकि आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सके या फिर रेज हो सके, हाई हो सके, वो किसका काम है, ग्लूकागन का काम है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बायो विद चिपमंक।